ताजा समाचार तमारी भाषा में मेळवा माटे डाउनलोड करो गुजराती मिडडे नी एप। मिडडे के दर्शकों, पहला न्यारानी का आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत प्यार। देखिए, आजकल कहानियाँ जो है ना बहुत सारी आती है और जाती है, क्योंकि लोग आज जो है कंटेंट पे जो है भरोसा नहीं करते और फिल्में बनाते हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट्स और लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश करते हैं, विजुअल्स पे बहुत काम करते हैं, लेकिन कहानी पे कोई काम नहीं करता। मुझे एक ऐसी कहानी जो मिली जो मैं लड़का तलाश कर रहा था कि किस तरह से इस कहानी में लड़का फिट हो, तो मैंने टिकटॉक में नवाब खान जो इस फिल्म का हीरो है उसे देखा और उसे बुलाया और मुझे वो बहुत पसंद आया कि जो मैंने कहानी सोची थी और मैं भूल गया था कि मुझे ये बनानी है। जब टिकटॉक में देखने के बाद में ध्यान आया कि ये कहानी में ये फिट हो सकता है, तब मैंने जाके मिशिका चौरसिया के साथ जो मेरी ऑलरेडी फिल्म में कर चुकी थी और वो मेरी फिल्म में 3 फिल्मों में साइन थी, तो मैंने उससे दोनों की जो है ना जोड़ी बनाने के लिए फ़ोटोशूट किया और दोनों को टेस्ट करवाया, मतलब कि दोनों की केमिस्ट्री कैसी है। तो जब ये पूरा हुआ तो मुझे लगा ये जोड़ी जो है सुपरहिट जोड़ी है और इसी कहानी को लेके हम बना सकते हैं। और वो इंस्पिरेशन जो है मेरे फ़ोटोशूट से जो मिली और इससे मैंने पूरी कहानी कंप्लीट की और इस फिल्म को मैंने बनाया, जो मुझे बेहद पसंद है, जो आज के डेट में फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, आज यंगस्टर्स को अपील करेगी ये फिल्म, म्यूज़िकल लवर्स जो है उनको म्यूज़िक ये फिल्म का बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर्स है और जो आज के देश दिन जो है इंसानियत पे कोई फिल्म नहीं आ रही है जहाँ पे इंसानियत को लोग यूज़ करें, आज लगता है फिल्मों में कैरेक्टर में दुश्मनी ज़्यादा और दोस्ती कम दिखाते, तो ये प्यार मोहब्बत और रिलेशन की कहानी है जो हर परिवार, हर जाति, हर मज़हब को बहुत पसंद आएगी। और मुझे लगता है ये कहानी अन्नाड़ी जो है, जो हमारे फिल्म का हीरो है अन्नाड़ी, जो बहुत ही सीधा साधा, इनोसेंट और ईमानदार व्यक्ति है, इस कहानी को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारी हीरोइन है, जो विदेश में भी रहने के बाद जो अपनी मिट्टी को बहुत प्यार करती है और उसका कल्चर जो है उसी में ही इर्द गिर्द घूमता, विदेश में उसे वो मज़ा नहीं आया जो अपने देश में उसे मज़ा आता है, वो लौट आती है वहाँ से और अपने सच्चे प्यार को तलाश करती है, जो इस लड़के में इसको दिखता है और इससे मतलब मोहब्बत कर बैठती है, पहले ही नज़र में इससे मोहब्बत हो जाती है, इसके काम को देख के, ईमानदारी और सच्चाई जो इसके पीछे पड़ता है और जहाँ पे दोनों की जो मुलाकातें होती है और मुलाकातें बढ़ती जाती है। तो इस फिल्म को रोमांस जो है अलग तरीके का है, जो एक आम इंसान के रूप में जो है इस फिल्म में नज़र आएगा। तो ये कहानी जो है मुझे पसंद थी, इसलिए मैंने ये कहानी बनाई। हाँ, क्योंकि अन्नाड़ी टाइटल मुझे चाहिए था और कोई मुझे मिल नहीं रहा था टाइटल, तो मुझे लगा कि अन्नाड़ी बहुत 4 फिल्में पहले आ चुकी है, क्यों ना ऐसे जो है अन्नाड़ी इस बैक अप्लाई करूं, क्योंकि हमारे एसोसिएशन में टाइटल को अप्लाई करना पड़ता है और टाइटल मैंने रखा अन्नाड़ी इज़ बैक और मुझे मिल गया, क्योंकि ये फिर से अन्नाड़ी आ रही है, क्योंकि उन फिल्मों में भी जो कैरेक्टर जो है वो सीधा साधा और इनोसेंट कैरेक्टर था और मेरी फिल्म में भी जो है एक इनोसेंट कैरेक्टर है हीरो जो हमारा और सीधा साधा है, तो इसलिए मैंने इस फिल्म का नाम अन्नाड़ी रखा। और क्योंकि अन्नाड़ी टाइटल नहीं मिल रहा था इसलिए अन्नाड़ी इज़ बैक कर दिया, क्योंकि फिर से वही कैरेक्टर जो है ना हमारी फिल्म में आ रहा है। अयोध्या की कथा मैं अनाउंस भी की थी और काफ़ी उसकी स्क्रिप्ट जो है कंप्लीट भी है, और मुझे लगता है कि जिस वक्त में ये मैंने सोचा उसके बाद जो ना कोरोना आ गई और लॉकडाउन हो गया, तो वो लॉकडाउन में मैं वो फिल्म नहीं बना पाया। अयोध्या की कथा जो है
अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि इन बिटवीन रामायण पे बहुत से लोगों ने सोचा कि फिल्में बनानी है और आदि पुरुष आ भी गई, जो आदि पुरुष तो थी नहीं, और पता नहीं किसी वजह से जो है लोगों ने मतलब उस कहानी को जो है रामायण से रिलेट नहीं किया, तो इसलिए मैं ये फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ और जल्दी पर्दे पे आएगी। मुझे लगता है 2024 में जो है ये फिल्म लोगों के सामने आएगी। सब्सक्राइब करो गुजराती मिडडे, बेल आइकॉन पर क्लिक करीने मेड़वो तमाम वीडियो ना डायरेक्ट नोटिफिकेशन।